चौहान ब्लॉक संसाधन केंद्र पर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत समस्त परिसरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों से चयनित छात्र छात्राओं की क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता क्विज में कुल 79 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गए। इन 79 बच्चों में से 10 उत्कृष्ट छात्र छात्राओं का चयन किया गया। इन चयनित बच्चों के विद्यालयों के स्कूल प्रबंधक खातों में प्रति छात्र के हिसाब से 1,000 रूपए भेजे जाएंगे। इस धनराशि का उपयोग बच्चे 31 दिसंबर 2021 को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान मथुरा पर प्रस्तावित विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल प्रोजेक्ट के प्रस्तुतीकरण के लिए किया जाएगा। क्विज प्रतियोगिता के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा। इन 10 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। क्विज में ARP हरिओम शर्मा, मनोज वर्धन, प्रदमन सिंह, विनीता शर्मा, मंजू राजपूत का विशेष योगदान रहा। बदन सिंह यादव, ज्योतिवीर सिंह, दयाराम सिंह, पूनम रानी, वाष्णेय, योगेंद्र गुप्ता आदि ने परीक्षक की भूमिका निभाई। आज की ये जो क्विज प्रतियोगिता है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में जो चौमा ब्लॉक के समस्त प्रसिद्ध विद्यालय, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनके बच्चों ने प्रतिभाग किया है। और आज की इस परीक्षा में 78 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। एक विद्यालय से एक बच्चे को कम से कम बुलाया गया था, तो कुल 78 बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है, बच्चों के अंदर किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो, बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति किस प्रकार से बच्चे करके सीखें, यह इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है। ये शासन के निर्देशों क्रम में समय समय प्रतियोगिता होती रही है, और आज की ये जो प्रतियोगिता है पूरे जनपद में एक साथ कराई जा रही है। विभिन्न विकास खंडों में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता का एक उद्देश्य जो मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो, और जो हमारे अध्यापक विद्यालयों में बच्चों के साथ परिश्रम कर रहे हैं उनकी पहचान भी यहाँ से तय होगी। किस प्रकार से कोरोना काल में अध्यापकों ने कार्य किया है, बच्चों को किस प्रकार से दक्ष किया है, जो बच्चों के मिनिमम लर्निंग लेवल्स हैं, जो बच्चों का अधिगम स्तर है, उसको जानने का भी एक तरीका है। आज के जो बच्चे इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं उनमें से 10 सबसे बच्चों का चुनाव किया जाएगा, और जो बच्चे चुनेंगे उन विद्यालयों के प्रबंध खाते में 1,000 रुपये बच्चों को TLM बनाने के लिए दिए जाएंगे, और एक TLM प्रदर्शनी 31 दिसंबर को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर आयोजित होगी।